हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे ये पेरी पेरी फ्राइज़, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत सारे लोग इसे फ्रेंच फ्राइज़ भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले दो आलू को अच्छे से छील लेंगे और फिर इसे फ्राइज़ के जैसे काट के इसे पानी में डाल देंगे और फिर इसे 2 मिनट के लिए हम लोग बॉईल कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉईल करना है और फिर इसे अलग करके इसे ठंडा कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, रेड चिली पाउडर और ये जीरा काली मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया था, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ हो गए हमारे रेडी। अब हम एक पैन में थोड़ा सा बटर और गार्लिक डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल करके फ्राइज़ ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा बहुत ही टेस्टी पेरी पेरी फ्राइज़ रेडी। तो आप लोग भी घर पे बनाइए और ज़रूर खाइए। इसी तरह के और भी इजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।